हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे आजकल के बिज़ी लाइफ में कितने ही हेल्थ इश्यूज़ हमें अक्सर घेरे हुए रहते हैं और कितने ही हेल्थ इश्यूज़ ऐसे हैं जो हमारे साथ हो रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि हमें जो है वो प्रॉब्लम है, हमें मालूम भी नहीं चलता है और हम ऐसे ही जो है हमारे लाइफ चलती रहती है और हम उस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं अनटिल वो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस मेन प्रॉब्लम जिनकी हम बात अभी करना चाह रहे हैं, उसमें जैसे मैंने कहा कि हमें मालूम भी नहीं चलता है, तो उन्हीं हेल्थ इश्यूज़ में से एक हेल्थ इशू है अनीमिया, जिसको कि आम भाषा में आप खून की कमी होना कहते हैं। तो जनरली क्या है, हमें मालूम ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर खून की कमी है। हम जो है अनीमिया के सिम्टम्स को भी जो है बहुत लाइटली लेते रहते हैं कि हमें लगता है कि हमें बहुत थकान हो रही है, या हमें चलते हुए अगर सांस फूल जाती है, या हमें अच्छे से भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। तो ये सब चीज़ों को हम जनरली हमारे लाइफ की थकावट समझते रहते हैं और हम इसको जो है मानना भी नहीं चाहते हैं कि हमारे अंदर खून की कमी हो सकती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम अच्छा खाना पीना खा रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर खून की कमी हो। लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है हीमोग्लोबिन की होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जो है हमारा शरीर हेल्दी बना रह सकता है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें तो फीमेल्स के अंदर जो है 11-12 ग्राम HB अगर है तो जो है उनको जो है हम हेल्दी कह सकते हैं, और सिमिलरली जो हैं और अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो 15-16 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर उनमें है तो आप उनको हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो हीमोग्लोबिन है बिलो 10 जा रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आप जो हैं माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया की जो है कंडीशन में जा रहे हैं, और अगर जो है आप बिल्कुल बिलो 7 में ही चले जाएंगे तो आप जो हैं सीवियरली अनीमिक हो सकते हैं, और जिसकी वजह से जो है आपकी हेल्थ जो है उसमें गिरावट आएगी और आपको डिफरेंट अनीमिया के सिम्टम्स जो हैं यहाँ पर तंग करेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही कहा कि आपको जो है थकान बनी रहेगी, आपका जो बॉडी जो है आपको जो है रेडिशनेस आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाएगी, और सामने वाला भी आपको देखकर बता सकता है कि आप जो हैं बिल्कुल जो है वाइट सा नज़र आ रहे हैं। और लॉन्ग टर्म्स में अगर आप जाएंगे तो आपका जो है लिवर पे अफेक्ट डालती हैं अनीमिया की कंडीशन, आपके चलते हुए आपको सांस फूल रही है ऐसा महसूस होगा। और जब आपकी बॉडी में एक स्टैंडर्ड वैल्यू HP की नहीं होगी तो आपका बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपके बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को अच्छे से सपोर्ट नहीं दे पाएगा, तो अनीमिया की वजह से आपको अदर हेल्थ इश्यूज़ होने का चांसेस भी जो हैं बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी लीवर हेल्थ और आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ पे जो है अनीमिया का असर ज़रूर पड़ता है। तो इसलिए जो है इस प्रॉब्लम पे आपको ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया जो हैं उनकी वैल्यूज़ जैसे मैंने आपको बताई, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना हीमोग्लोबिन लेवल मालूम होना चाहिए। आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी ख़ास तौर से बच्चों के लिए काफ़ी हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जैसे जिसमें जो है बच्चों का हीमोग्लोबिन लेवल चेक करके जो है उनके पेरेंट्स को अवेयर करने की कोशिश की जाती है, और एडल्ट्स के लिए भी काफ़ी इस तरीके के प्रोग्राम्स हैं। तो आपको जो है अगर आपको बताया जा रहा है कि आप अनीमिक हैं या फिर आप माइल्ड अनीमिक हैं या मॉडरेट अनीमिक हैं, तो आपको वो बात सीरियसली लेना है और उसके ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान देना है। तो ट्रीटमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो स्पेशली ट्रीटमेंट के तौर पे आपकी डाइट में आयरन कंटेंट आपको बढ़ाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मोस्टली लोगों को मालूम ही है कि हमारे जो हैं डाइट में कितनी ही चीज़ें हैं जो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि जो हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपने आप में जो हैं काफ़ी आयरन कंटेंट से फुल होती हैं, ख़ास तौर से जैसे अभी विंटर्स आ रही है तो आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरा साग इसमें जो है काफ़ी अच्छा काम करता है। आप आंवला का सेवन कर सकते हैं, आप गाजर का सेवन कर सकते हैं, तो ये चीज़ें नेचुरली आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करती हैं।
अब यहाँ पर बात आती है कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पा रहा है, तो क्या कोई ऐसी दवा भी हो सकती है जिससे हमारा हीमोग्लोबिन रेज़ हो जाए? तो हीमोग्लोबिन रेज करने के लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी जो है आयुर्वेदिक सिरप का हम यहाँ पर नाम लेना चाहते हैं कि वो सिरप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे जो है डेफिनेटली आपका हीमोग्लोबिन लेवल रेज होगा, क्योंकि उसमें जो है लौह भस्म के साथ साथ काफ़ी सारे अदर हर्बल कंटेंट्स भी हैं जो आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन बढ़ाते भी हैं और उसको मेंटेन भी रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दवा का नाम है लौह आसव। लौह आसव जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि आपकी बॉडी में जो है ये आयरन को इनक्रीज़ करने का मेनली काम करती है, तो आप लौह आसव का सेवन कर सकते हैं। अगर जो है आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं, मीन्स बिलो 12 इयर्स के बच्चों को, आप एक एक चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं खाने के बाद पानी मिला करके। और अगर एडल्ट्स ले रहे हैं तो वो इसको जो है 5 to 10 ml की मात्रा में सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। और इसके साथ जो है अगर आप लगातार 2 से 3 महीना इसको इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी अनीमिया की प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी और आपका डाइजेस्टिव और लिवर हेल्थ भी जो है इससे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप ज़रूर अपने अनीमिया की प्रॉब्लम के लिए लौह आसव का सेवन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।